के सटीक कितनी सुंदर पंक्ति आई है, नर का अंतर तम अपहारी वेग्य साधु नहीं रवि नभचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नर का अंतर तम अपहारी वेग्य साधु नहीं रवि नभचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। देखो कितना सुंदर प्रश्न किया है, कितनी सुंदर बात कही। हे श्री सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय रूपी भवन में जो अविद्या रूपी अंधकार विद्यमान है, जो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का अज्ञान व्याप्त है, इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए कोई उपाय बताओ। विचार करने वाली बात है, क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि हमारे हृदय में अनेकों प्रकार का अज्ञान व्याप्त है और इस अज्ञान की निवृत्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होगा, तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और यही बात श्रीमद् गोपाल विलास में कह रहे हैं कि नर का अंतर तम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रवि नभचारी। माने अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान का विध्वंस करने में एक सूर्य नहीं, अरे करोड़ों सूर्य भी भगवान प्रकट कर दे आकाश मंडल में, तो भी तुम्हारे हृदय रूपी भवन में बैठे हुए अज्ञान का, अविद्या का नाश नहीं कर सकते। तो विचार करो कि आखिरकार सारे संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित कर देता है, सारे संसार को एक ही सूर्य जगमगा देता है। अगर एक करोड़ सूर्य एक साथ उदय हो जाए आकाश मंडल में तो क्या होगा सारी दुनिया। अरे एक ही सूर्य जरा सा जहां पर स्थित है वहां से 10 फीट भी नीचे आ जाए तो सारी दुनिया जल करके भस्म हो जाएगी, केवल 10 फीट। अब सोचो कि एक करोड़ सूर्य भी उदय हो जाए तो भी तुम्हारे हृदय रूपी भवन में वो प्रकाश नहीं कर सकते। तो भैया तुम्हारे हृदय रूपी भवन में फिर प्रकाश करेगा कौन? तो विज्ञ साधु नहीं रवि नभचारी। कोई अच्छा पहुंचा हुआ साधु संत, कोई भजन करने वाला, साधना करने वाला, भगवान का प्रेमी साधक जब तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा होगी, तो तुम्हारे हृदय रूपी भवन में जो अज्ञान भरा है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, हृदय में प्रकाश हो जाएगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे गुरु कृपा का अर्थ केवल ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख ही ना आए। दुख तो आएगा, क्योंकि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये किसी के हाथ में नहीं है। कब तुम्हें हानि होनी है, कब तुम्हें लाभ होना है, कब किसका जन्म होना है। कई बार बालक का जन्म समय पूरा होने से पहले भी हो जाता है और कई बार कुछ दिन बाद भी होता है।
तो किसी को नहीं पता कब किस बालक ने जन्म लेना है, कौन से समय पर, माने कितने बज करके, कितने मिनट पर, कितने सेकंड में, कौन से नक्षत्र में कौन सा बालक जन्म लेगा, किसी को नहीं पता। मरण माने कब इस संसार से कौन सा जीव, इस काया को जो पंचभूत से बनी है, इसे इसी में लीन करके, विलीन करके कब चला जाए, इसकी भी किसी को पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो हान लाभ जीवन मरण यश अपयश, कब तुम्हारा यश फैल जाए सारे संसार में और कब तुम्हारी बदनामी हो जाए, कब तुम्हारा अपयश हो जाए, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो गुरु कृपा का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें केवल तभी आप गुरु जी की कृपा समझोगे जब तुम्हें लाभ ही लाभ होता रहे। अरे गुरु कृपा का मतलब है तुम्हारे जीवन में दुख दर्द हानि लाभ ये तो सब चलते रहेंगे, लेकिन दर्द में भी तुम्हें पता न लगे कि दर्द वाला दुख वाला समय तुम्हारा कब निकल गया, कैसे व्यतीत हो गया, इसी का नाम गुरु कृपा है। संतों की कृपा है, साधुओं की कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा है। तो जब तुम्हारे जीवन में कोई विज्ञ साधु आएगा तभी तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे हृदय का अज्ञान अविद्या दूर होगी। और जब तक अज्ञान अविद्या दूर नहीं होगी तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हे श्री सूत जी महाराज, सूताख्या कथा सारम मम करण रसायनम। देखो ये दो दो भागवताचार्य कह रही हैं, वो हमारे साथ ही श्लोक बोल रही हैं दोनों। सूता ख्या है कथा सारम मम करण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें क्योंकि आपके श्री मुखारविंद से निकलने वाला एक एक शब्द इतना प्रिय होता है, जब वो कान के माध्यम से रसायन बनके, दवाई बनके हमारे पेट में जाएगा तो हमारे जीवन का परम मंगल होगा। आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमें भगवान गोविंद की प्राप्ति कराएं। अब वैसे तो हमें भगवान की प्राप्ति है ही, भगवान किसी को अप्राप्त नहीं है, तुम्हारे भीतर हैं तभी तुम्हारी अपनी सत्ता है। यदि भगवान तुम्हारे भीतर न होते तो तुम्हारी अपनी कोई सत्ता नहीं होती, लेकिन भगवान अंदर होते हुए भी हमें हमारे जीवन में अनुभूत नहीं हो रहे, ये अविद्या है, ये अज्ञान है। और जब ये अविद्या अज्ञान दूर हो जाता है तो फिर भगवान की अनुभूति हमें होनी शुरू हो जाती है। तो हे सूत जी महाराज, आप हमें हमारे जीवन में ऐसी कृपा करें क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ लेना उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। अरे जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अभी, नागपाल जी, शुरू नहीं है। ये सूत्र है, जब हम गुरु बनाते हैं ना तो हमारा नया जन्म होता है, उससे पहले हमने जो जीवन व्यतीत किया उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज यदि हमने गुरु दीक्षा ले ली तो समझ लेना कि आज से हमारा एक नया जन्म हो गया, नया जीवन प्रारंभ हो गया। जब तक शादी विवाह नहीं हुआ तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन हो गया, जब हो गया, तो समझ लेना कि उस दिन से
एक नया जन्म हो गया, एक नया जीवन शुरू हो जाता है। उससे पहले कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जिस दिन हो जाता है उसके बाद पता लगता है कि अब जो जीवन है वो नया जीवन है, अब जो जन्म है वो नया जन्म है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ लेना उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। तो यदि आप नया जीवन शुरू करना चाहते हैं तो अपना जीवन सफल बनाने के लिए कोई अच्छे महापुरुष को अपने जीवन में अवश्य लाएं। तो देखो ये 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज को अपने जीवन में ले आए। बोले बाबा हमको भगवान की कथा सुनाओ, क्योंकि भगवान की कथा ही वास्तव में जीवन का सार है, इसी से मंगल होता है। श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सत्व साधनम तद्वदाधुना। अरे श्रेयसाम यद भवच्छ्रेय, जो सुंदर से सुंदर हो, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, जो पावन से भी पावन परम पावन हो, ऐसा क्या है संसार में? ऐसा तो केवल एक ही तत्व है संसार में, और वो है श्री कृष्ण। तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, माने जीव का जो परम लक्ष्य है वो वास्तव में श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए तो समझ लो कि आपने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया, और संसार का सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन में भगवान की अनुभूति नहीं हो रही तो समझ लेना कि तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। अब वैसे तो हमें जब ध्यान वगैरह लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए भगवान का अनुभव हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कन्हैया हमारे हृदय में थोड़ा झांकी दिखा जाते हैं, आनंद आता है। लेकिन महाराज आपसे सत्य बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सदगृहस्थ संत हैं, और आप जानते हैं कि गृहस्थ में अनेकों प्रकार के झंझट होते, क्योंकि हमें केवल अपने आप को ही नहीं देखना है, अपने साथ साथ अपनी भार्या अपनी धर्म पत्नी को भी देखना है, और उसके साथ साथ में बाल बच्चे भी देखने हैं, और संसार का न जाने कितने प्रकार का कार्य भी हमें करना पड़ता है। तो जो समय मिलता है वो समय हम भगवान को देते हैं, तो उतनी देर के लिए तो भगवान का अनुभव होता है। लेकिन जब भगवान का ध्यान छोड़ करके संसार में जाते हैं तो फिर दिमाग में संसार घूमता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज आप हमें कोई ऐसा साधन बताएं जिस साधन के करने से हमें शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। शाश्वत का मतलब है सदा सर्वदा रहने वाली अहर्निश, माने दिन में भी लाला की याद आए और रात को भी कन्हैया की याद करते करते हम सोए, इसे कहते हैं श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति। गाड़ी चला रहे हैं तो भी हमारी स्मृति में भगवान की याद हमें आ रही है, भोजन बना रही हैं या बना रहे हैं, झाड़ू लगा रही हैं या लगा रहे हैं, बर्तन धो रही हैं या धो रहे हैं, और भी दुकान चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, संसार में जो भी कर रहे हैं, श्री तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया, कर से करम करहुं विधि नाना, मन राखहुं जहां कृपा निधान।
ऐसे कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो देखो कितनी सुंदर बात है, आप अपने हाथों से संसार में कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य मना नहीं किया। कर से कर्म करो विधि नाना, माने अनेकों प्रकार के जो भी कर्म हैं आप अपने हाथों से करें, पैरों से करें, संपूर्ण शरीर से करें, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि मन राखूं जहां कृपा निधाना। अरे तुम्हारा मन केवल वही होना चाहिए जहां भगवान गोविंद हैं, तुम्हारा मन केवल श्रीधाम वृंदावन में होना चाहिए। हाथ पैरों से चाहे आप घर में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन याद वृंदावन की आ रही है, याद मां के बिहारी की आ रही है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल कौन सा काम हम लोग करों से ज्यादा करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं नरेश जी? हाथों से आजकल कौन सा ज्यादा कार्य करते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल हाथों से मोबाइल ज्यादा चला रहे हैं सब लोग। दिन रात केवल और केवल मोबाइल पर ही उंगली घूम रही है, कभी नीचे सरका रहे हैं, कभी ऊपर से ऐसे उंगली फेर रहे हैं। न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में, दो चार घंटे यदि नहीं चलाएं तो ऐसे ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि आज ताकत वाला पावर वाला डोज तो हमने लिया ही नहीं, दवाई तो हमने खाई नहीं। तो मोबाइल चलाने के लिए मना नहीं की, कोई भी कार्य करो, लेकिन मोबाइल चलाते समय भी शर्त है कि तुम्हें भगवान की याद आए। मोबाइल चलाते समय भी आप मोबाइल में व्हाट्सएप में अच्छे अच्छे मैसेज पढ़ें, अच्छे अच्छे प्रसंग पढ़ें, अच्छी कोई काम की बात पढ़ें जो हमारे जीवन को बदलने वाली हो, हमें भगवान से जोड़ करके रखे कोई ऐसी कहानी पढ़ें। क्योंकि मोबाइल में सब कुछ आता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हे श्री सूत जी महाराज, आप हमें भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई उपदेश करो, ऐसा कोई साधन बताओ। क्योंकि आप जैसे गुरुओं की, आप जैसे संतों की कृपा जिस बालक पर हो जाए, जिस जीव पर हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। चिंता मणिन लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। तो हे श्री सूत जी महाराज, हम जानते हैं संसार में यदि किसी को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो वो उस मणि के माध्यम से अपने जीवन की सारी चिंताओं का हरण कर सकता है, सर्व सुख सर्व वैभव प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि प्राणांत होने के बाद, मरने के बाद वो स्वर्ग इत्यादि की धन संपदा वैभव भी प्राप्त कर सकता है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। लेकिन महाराज, जब तक आप जैसे महापुरुषों की कृपा प्राप्त नहीं हो, आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो, तब तक भगवान गोविंद के धाम की प्राप्ति,
तब तक भगवान गोविंद के चरणों की प्रसादी भगवान गोविंद की सेवा करने का लाभ उस जीव को नहीं मिलता। तो आप जैसे महापुरुष जब कृपा करते हैं तो फिर जा कर के भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। तो आपसे हमारी प्रार्थना यही है, क्योंकि हम तो अपनी हर सांस में केवल और केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहते हैं, उनका ही सुमिरन करना चाहते हैं, उनका ही वंदन करना चाहते हैं। हमारे जीवन की जितनी सांसें निकल गई हैं उनकी परवाह नहीं, लेकिन अब आगे की जो हमारी सांस है वो व्यर्थ न चली जाए। हर सांस में भगवान का स्मरण हो, हर सांस में भगवान का सुमिरन हो, बड़ा सुंदर सा भाव है। तो आइए हम भी अपनी हर सांस को भगवान के स्मरण से महकाने का, सजाने का, संवारने का प्रयास करें। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बांके बिहारी लाल की। ताली सेवा करते हुए पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाल रहूं तेरे दर पे डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
क्या यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बाली सेवा करते हुए तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब मैंने हारूं रूप ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। हो
आत्मा में तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ आत्मा में तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संगण पदरी को लाना होगा, माँ गौरा संगण पदरी को लाना होगा, माँ गौरा संगण पदरी को लाना होगा, माँ गौरा संगण पदरी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ताली सेवा करते हुए के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा,
डम 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 रू बजाना होगा, बावरियों को पार लगाना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रू बजाना होगा। ताली सेवा करते हुए चढ़ाएंगे भाग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भाग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भाग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, 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 भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रू बजाना होगा। श्री शिव शंकर भोलेनाथ की। बाबा जग से निराला है, तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला 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 है, नादिया पे चढ़ कर आना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, नादिया पे चढ़ कर आना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना।
डम 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 रूप जाता होगा, मागोरा संगणपत जी को लाना 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 होगा, डम 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 रूप जाना होगा, डम 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 रूप जाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रूप जाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रूप जाना 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 होगा, डम 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 रूप जाना। श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जय, जय जय श्री राधे। तो देखो हमारे कन्हैया और भोले बाबा अलग नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कैलाश मान सरोवर पर और श्री अमरनाथ धाम में सबसे पहले कोई भी कथा होती है भगवान गोविंद की या भगवान श्री राम की, तो सबसे पहले भोले बाबा के हृदय में आती है, पहले उसे भोले बाबा स्वयं श्रवण करते हैं, और स्वयं श्रवण करने के बाद फिर मैया पार्वती को सामने बिठा करके श्रवण कराते हैं। तो भोले बाबा के पास आने के बाद कथा मैया पार्वती को श्रवण करने के लिए मिलती है, उसके बाद फिर और अन्य जितने भी भागवती या पुराणाचार्य या शास्त्री या आचार्य इत्यादि जो वक्ता हैं, जैसे श्री सूत जी महाराज हो गए, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज हो गए, तो इनका नंबर तो बाद में आता है। लाला की कथा सबसे पहले श्रवण करने का और श्रवण कराने का जो अधिकार है वो भोले बाबा के पास ही है। तो जब तक भोले बाबा को याद नहीं किया जाए तब तक हमारे नंद के लाला कन्हैया प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जितना प्रेम बाबा लाला से करते न उतना ही या उतने से भी अधिक स्नेह हमारे बांके बिहारी रमण बिहारी का बाबा के प्रति है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज आप जैसा संत आप जैसा बाबा जब जीवन में आ जाता है तो जीवन का निश्चित कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे विद्वान महापुरुषों से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है, और जब भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है तो जीव का कल्याण तो होना निश्चित ही है, क्योंकि कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को परम मंगलमय बनाती है। श्री सूत जी महाराज मान गए, और श्री सूत जी महाराज ने शर्त रखी, बोले देखो ऋषियों हमारी भी कुछ शर्तें हैं, यदि आप उन सभी को मान लोगे, और कोई ज़्यादा बड़ी शर्त नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप उन्हें अपने जीवन में धारण कर लोगे तो भगवान की कथा श्रवण करने में बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहली शर्त बताई, बोले आपको सावधान हो करके सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम कथा कह रहे हैं और आप
एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख रहा है, इस तरह से नहीं। एकदम सावधान होकर के सावधान तया श्रणु, माने पूरी तरह से सावधान होकर के आपको श्रवण करनी पड़ेगी। यदि सावधान हो जाओगे तो हमें भी कहने में आनंद आएगा और आपको भी श्रवण करने में आनंद आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सबसे पहली बात, कथा श्रवण करने से या कराने से पहले हमें संसार के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए, ये संसार क्या है और संसार में किस प्रकार से आने के बाद जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो देखो, संसरति इति संसार, माने जो धीरे धीरे आगे की तरफ सरक रहा है लेकिन हम उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो हमारी पकड़ में नहीं आता और आगे सरकता चला जाता है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही आगे की तरफ सरकना है, वो रुकता नहीं है। हम लोग बालक होते हैं, बालक से धीरे धीरे युवा होते हैं और युवा से धीरे धीरे फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो शरीर के हमारे जो अंग हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं और हमारा फेस है, बाल हैं और आँखें हैं, हम इन्हें रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। चश्मा लगाना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है, जब आवश्यकता हो लगाना। पैर टेढ़े करके कोई नहीं रहना चाहता, हमेशा स्वस्थ पैरों से रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब घुटने दर्द करते हैं, परेशानी है, तो फिर ऑपरेशन करा के अनेकों इलाज कराने पड़ते। माने हम संसार को और समय को रोकने का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर जो युवावस्था में था, हम उसे वैसा ही बना करके सदा सर्वदा रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, वो धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता रहता है, इसी का नाम संसार है। तो संसरति इति संसार, भैया भगवान की कथा सुनने से पहले आपको संसार के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि संसार के बारे में जान लोगे तभी भगवान की कथा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, अन्यथा मनोरंजन की दृष्टि से सुन करके इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी। सनई सनई सरती फलम सरती, माने जो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ सरक रहा है, वही संसार है। सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को बासी हो जाता है, रात्रि का बनाया हुआ भोजन सुबह खाने योग्य नहीं रहता। वैसे आजकल फ्रिज वगैरह चल गए तो एक आध दिन बिल्कुल ठंडे वातावरण में रख करके लोग खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर कब तक, कितने दिन रखेंगे फ्रिज में? दो दिन चल जाएगा, तीन दिन चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जोर मारोगे, आखिर चौथे दिन तो उसे सड़ना ही है, उसमें से बदबू आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक पदार्थ है और संसार का स्वभाव है आगे शनई शनई सरती, आगे की तरफ जाना। जैसे समय परिवर्तनशील है, बिल्कुल वैसे ही संसार की हर वस्तु हर पदार्थ अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वास्तविक ज्ञान यही है ऋषियों कि संसारयम दुखालयम, संसारयम असत्यम, संसारम अनित्यम,
असास्वतम, ये असली ज्ञान है। अरे दो चार सूत्र कह देने से ये अंदर बैठता नहीं है। कहाँ मानते हैं हम कि संसार झूठा है, संसार के सारे पदार्थ सारे रस झूठे हैं? कौन मानता है? कोई नहीं मानता। सब आनंद लेते हैं संसार में, सब रस ले रहे हैं। कोई भी संसार को झूठा मानने के लिए, असत्य मानने के लिए, अनित्य मानने के लिए तैयार नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि निरंतर भगवान गोविंद की कथा की प्राप्ति हमें नहीं होती। यदि निरंतर भगवान की कथा की प्राप्ति होती रहे, श्रवण करते रहें, गुरु ज्ञान लेते रहें, तो निश्चित ही बहुत जल्दी संसार और संसार का ज्ञान हमें हो जाएगा। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये संसार वास्तव में असत्य है और भगवान ही सत्य हैं। तो जब भगवान सत्य हैं तो भगवान से प्रेम करें, भगवान से लाड़ लड़ाएं, भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के भजनों का आनंद लें, भगवान में लीन हो जाएं, वही वास्तविकता है, यही संसार की असलियत है। अरे अपने गोविंद से प्रेम करें, भगवान ने जो सुंदर श्रृंगार किया है उसे निहारें, भगवान के स्वरूप को देख करके आनंद में लीन हो जाएं, भगवान के सुंदर सुंदर वस्त्रों को देखें। भगवान ने कैसी सुंदर पीली पगड़ी धारण कर रखी है, कितनी सुंदर लग रही है, बड़ा सुंदर सा भाव है। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी को आप निहारने का प्रयास करें, जहाँ भी भगवान का सुंदर स्वरूप आपको दिखाई दे वहीं आप आनंद ले सकते हैं। चौथे स्वर में खूब आनंद से भगवान को निहारें और भगवान की सुंदरता का इस भाव के माध्यम से हम लोग दर्शन करेंगे। पीली सी पगड़ी बांधे पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी दे
देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी, देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी। प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी, प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी, प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी, प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी। मुरली मधुर बजावे, मुरली मधुर बजावे मेरो प्यारो कान्हा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। मुरली मधुर बजावे मेरो प्यारो कान्हा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पीलीसी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। तेरी माला तेरी सी तेरी टांग है मोहन प्यारी सी तेरी माला, टेढ़ी सी तेरी टांग है मोहन प्यारी सी तेरी माला, टेढ़ी सी तेरी टांग है मोहन प्यारी सी तेरी माला। तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के बाली वाला, तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के वाली वाला, तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के वाली वाला, तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के वाली वाला। गैया बहुत चरावे, गैया बहुत चरावे नंद रानी का लाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। गैया बहुत चरावे नंद रानी को लाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। अरे आनंद लेते हुए बाबा के महल में खेले लाला
के महल में खेले लाला और मैया। नंद बाबा के महल में खेले लाला और मैया। नंद बाबा के महल में खेले लाला और मैया। उनके दाएं बाएं खेले बलदाऊ जी भैया। 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 कितना सुंदर खेले, कितना सुंदर खेले मेरो प्यारो कान्हा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर खेले मेरो प्यारो कान्हा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो कहीं भी आपको भगवान गोविंद का दर्शन हो, आप वहीं अपने लाला के सुंदर श्रृंगार को निहार सकती हो, निहार सकते हो। क्योंकि वास्तव में जीवन का असली तत्व तो नंद का लाला ही है, गोविंद ही है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान गोविंद की कथा सत्संग एक ऐसा उत्तम तीर्थ है जहाँ आकर के, जहाँ बैठ करके हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के माया का प्रभाव सत्संगी के जीवन में नहीं होता। उसके जीवन में, उसके विचारों में, उसके शरीर में हमेशा पवित्रता बनी रहती है। इसलिए भगवान की कथा सत्संग श्रवण करते रहिए। भाई संसार, संसार में क्या है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। और श्रीमद् भागवत में भी कह रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निरणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। माने संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है, वो तय हो गया है। उसी दिन जिस दिन उसका जन्म हुआ है उस जन्म के साथ ही उसकी ही बहन कहो, चूंकि मृत्यु देवी स्त्रीलिंग शब्द है, तो समझ लो कि उसकी बहन भी उसके साथ उसे अपने भाई को ले जाने के लिए साथ में ही आती है। जिस दिन जीव का जन्म होता है उसी दिन वो भी आती है, और जैसे लेकर के आती है वैसे ही संसार से लेकर के जाती है।
क्योंकि यही संसार का नियम है। कर्म जैसे हमसे संसार में होंगे या जैसे हम लोग करेंगे उसी के आधार पर हमारी गति होगी, अंतमति सो गति। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो सुंदर ढंग से जाता है, सुंदर भगवान के पार्षद आते हैं, देवता आते हैं स्वर्ग से विमान लेकर के उसे बिठा करके और उसकी आरती करते हुए आदर सत्कार से चमर ढुलाते हुए लेकर के जाते हैं बड़े प्रेम के साथ। और जिसने और ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान श्री हरि के पार्षद आते हैं उसे विमान में लेकर के जाते हैं। और यदि ऐसे कर्म नहीं किए तो फिर आप सब लोग जानते हैं कि बंधा जात जंजीर, माने जंजीरों में लपेट करके यमराज के दूत उसे संसार से ले जाते हैं, लेकिन जाना उसे पड़ता ही है, चाहे वो स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए और चाहे भगवान श्री हरि के धाम में जाए, लेकिन संसार से उसे जाना पड़ता है। यही संसार की वास्तविकता है, यही संसार का सत्य है। तो संसार में मन के शुद्धिकरण का उपाय क्या है? ए तस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतं लभे तदा भागवतं लभे। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतं लभे। अरे एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, दस बीस पचास जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करने को मिलती है, जिसके माध्यम से हमारे मन का शुद्धिकरण होता है। और मन का शुद्धिकरण हो जाए तभी तो भगवान की अनुभूति होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कीरेण सुकेन भासितम, भगवान गोविंद की कथा किसने कही? श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे मीठी कथा कही, सबसे सुंदर कथा कही। क्यों? क्योंकि तोता बड़ा मीठा बोलता है। बहुत लोग तो अपने घर में तोते को पालते हैं, रखते हैं पिंजरे में और उसे सिखाते हैं राधे राधे जय श्री कृष्ण और अनेकों प्रकार के भगवान के नाम सिखाते हैं। हमने देखा है प्रैक्टिकली, मिट्ठू राधे राधे तो वो भी बोलता है अपनी आवाज में, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। तो तोता बड़ा मीठा बोलता है इसलिए सबको प्रिय है। लेकिन भैया आपने कभी सोचा है कि जिस तोते को सिखाया नहीं जाता वो राधे राधे नहीं बोल सकता? जब आप तोता खरीद करके लाते हैं तो आपने कभी तोते को देखा कि पहली बार ही आपने कहा कि राधे राधे बोल और तोता बोलने लग जाए? नहीं। अरे 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन आपको नित्य उसे 10 बार 50 बार 100 बार सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, तब उसके दिल और दिमाग में वो राधे राधे जय श्री कृष्ण बैठ जाए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि तोता अपनी मन मर्जी से नहीं बोलता, तोता जो भी बोलता है
वो वही बोलता है जो उसे सिखाया गया है। तो देखो ये श्रीमद् भागवत की कथा मनमुखी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान गोविंद की कथा सुनाई तो अपने मन से नहीं सुनाई, अपने आप नहीं सुनाई। महर्षि वेद व्यास जी माने श्री सुखदेव जी के पिताजी और गुरु जी ने जो उन्हें सिखाया, जो उन्हें बताया, जैसे उन्हें सुनाया, वही कथा भगवान बांके बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज ने मीठे स्वर में, सुंदर शब्दों में सारे संसार के कल्याण के लिए राजा परीक्षित के माध्यम से सबको श्रवण कराई। तो ये वही कथा है, सब लोग जानते हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित को श्राप लगने के बाद जब राजा को पता चला कि अगले सातवें दिन में मरने वाला हूं, तो राजा ने संसार का जो मोह था, जो ममता थी, जो अविद्या थी, जो अज्ञान था, वो सब छोड़ दिया। क्योंकि मरता क्या नहीं करता, जब मृत्यु निकट आ जाए तो फिर आदमी कहता है भैया तू सब कुछ ले जा, जो भी मेरे पास है सब ले जा, लेकिन भाई मोकू छोड़ दे यार, मोकू मत मारे, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ले जा, मेरे बच्चे ले जा, मेरे पास जो धन दौलत है, सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा जो कुछ है तू सब ले जा, लेकिन भैया जा घोड़ा है मत दबाए दियो, नहीं तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो मरता क्या नहीं करता, मृत्यु का भय संसार में सबको सता रहा है। काल व्याल मुखक ग्रास, हम सब लोग काल के व्याल माने काल के ग्रास बने हुए हैं। अब ये तो अजगर जो समय है, ये अजगर ही तो है जिसके मुंह में हम बैठे हैं संसार में। अब ये तो इसकी मर्जी के ऊपर, इसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब अपना मुंह बंद करे और हमारी सांस रुक जाए। तो काल व्याल मुखक ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा गायन किया गया श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको काल के व्याल से छुड़ा करके अभय प्रदान कर सकता है, आपको अभयत्व दे सकता है, आप मृत्यु के भय से रहित हो सकते हैं। अन्यथा संसार में और कोई ऐसा साधन नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जब राजा परीक्षित को पता लगा कि हम मरने वाले हैं तो छोड़ दिया सब, राजपाट छोड़ दिया, बड़े बेटे को राज्याभिषिक्त कर दिया, गद्दी पर बिठा दिया, पत्नी को बताया भाग्यवान अब हम जा रहे हैं, अब तुम जानो, तुम्हारे बालक जाने, तुम्हारा काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, अब हम जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम ये संसार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर जा रहे हैं। आप भी जब घर से कहीं तीर्थ में जाते हो, माँ भगवती गंगा के किनारे आसपास जाते हो, या यमुना जी के किनारे श्रीधाम वृंदावन में आते हो, तो कितनी तैयारी करके आते हो, कितने कितने बैग बांध करके लाते हो, कितने कितने जोड़ी कपड़े और न जाने क्या क्या, दो दो जोड़ी जूते चप्पल न जाने क्या क्या बांध करके लाते हैं, पता नहीं वहां कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी सोच ले करके। माने इतने किलो के तो हम स्वयं भी नहीं होते जितना किलो सामान साथ बांध लेते हैं। सर्दी में तो चल जाता है, लेकिन भैया जब गर्मी होती है ना और इतनी बड़ी ट्राली बांध ली हो और भीड़ भाड़ वाला अवसर हो,
तो ऐसे में एक बैग और इधर लटक रहा हो, एक पीछे लटकाया हो और साथ में ट्राली हो, तो ऐसे में एक एक मिनट कितना भारी पड़ता है कि कब स्टेशन आए या कब स्टेशन से अपने गंतव्य माने अपनी मंजिल तक पहुंचे, एक एक मिनट भारी पड़ता है। ये हमारा अनुभव है, इसलिए हमें ज्ञान हो गया। बोले भाई सामान नहीं ढोना चाहिए ज्यादा, मिलेगा मिल जाएगा, नहीं तो दो जोड़ी से ही काम चलाएं। अरे आज जो पहन लिए ठंडी में तो दो तीन दिन चल जाते हैं, दो तीन दिन पहन लो, और नहीं तो आज जो पहने सुबह नहाए पानी निकाल दो डाल दो दूसरे पहन लो, अगले दिन तक वो सूख जाते हैं। इसी तरह से कार्य चलाया जा सकता है, कम से कम में चलाया जा सकता है, लेकिन नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के चलते हैं। 15 दिन का टूर लगाने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 जोड़ी कपड़े तो रखेंगे ही रखेंगे, और सर्दियों के कपड़े तो वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो आफत आती है। लेकिन राजा परीक्षित को देखो, राजा परीक्षित कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा परीक्षित के पास क्या कमी है, सब कुछ तो है, सारी त्रिलोकी उनकी है, लेकिन अब जा रहे हैं माँ भगवती गंगा के पावन तट पर, तो राजा परीक्षित ने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया और केवल लोटा लंगोटा और सोटा, ये तीन चीज ले ली जो अति आवश्यक हैं, जरूरी हैं। भाई लोटा तो चाहिए, गंगा जी में बैठ करके हाथ वाथ धोने हैं, नहाना है, पात्र चाहिए कि नहीं, कहीं भिक्षा लेनी है तो कोई तो पात्र हो, और शरीर ढकने के लिए लंगोटी आवश्यक है तो लंगोटा, और चूंकि जंगल है तो जंगल में अनेकों प्रकार के हिंसक अहिंसक जीव जंतु जानवर रहते हैं, तो फिर सोटा भी आवश्यक है। तो लोटा लंगोटा और सोटा तीन चीज ले ली, सारा राजपाट छोड़ करके राजा चल दिए भगवती गंगा के पावन तट पर, शुक्र ताल में जाकर के विराजमान हो गए। जैसा कि सब लोग जानते हैं, राजा परीक्षित भगवान के परम लाडले भक्त हैं, और ऐसे लाडले भक्त को यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, जो भगवान का भक्त हो, तो सारे संसार को दुख होता है, सारे संसार को पीड़ा होती है, सारे संसार के भक्तों को दुख होता है, न जाने कितने लाख करोड़ साधु संत महात्माओं को दुख हुआ, सारे संसार को दुख हुआ, कितने साधु संत गए राजा परीक्षित का दुख दूर करने के लिए, लेकिन कोई दुख दूर नहीं कर पाया। आखिरकार श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानून पेक्ष अलक्ष्य लिंगम निजलाभ तुष्टो वृतश्च वालैः अवधूत वेशः। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, और श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, बोले बेटा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आ गए ना, ठीक हो जाओ। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि राजा की बीमारी क्या है, भाई डॉक्टर को पता लग जाए कि इसकी बीमारी क्या है तो वो आश्वासन दे देता है। अभी तक जितने साधु संत महात्मा गए उन्हें बीमारी का ही पता ही नहीं लग रहा है कि बीमारी क्या है, और पता भी लग रहा है तो उनके पास उस रोग की, उस बीमारी की दवाई नहीं है, औषधि नहीं है, तो देंगे क्या। इसलिए सबने हाथ जोड़ लिए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बेटा चिंता करने की नहीं कहूँ जरूरत ना है, तू चिंता मत कर,
हम तेरे को ऐसी दवाई देंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं राजा को मृत्यु का भय सता रहा है, और मृत्यु का भय तो सारे संसार को सता रहा है, लेकिन मृत्यु के भय को दूर करने के लिए राजा को हम भगवान की ऐसी परम मंगलमयी कथा श्रवण कराएंगे जिसके माध्यम से राजा आनंद में लीन हो जाएगा। और कोई जब आनंद में लीन हो, अपनी मस्ती में बैठा हो, तो उस समय उसका सिर भी काट दिया जाए तो उसे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो आनंद में लीन है। अब पीछे से कोई सिर काट दे तो आनंद में लीन होने के बाद इस शरीर को चाहे तक्षक डस ले या कोई और खा जाए, राजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा को जब भगवान गोविंद की परम पावन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने लगे, श्री रमण बिहारी बांके बिहारी की कथा श्रवण कराने लगे, तो आप सब लोग जानते हैं कि देवताओं का आगमन हो गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, और बड़ी विनम्रता से, बड़ी प्रार्थना से, बड़े सहज स्वभाव से, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपास्यामो वयम् सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् श्रीमद्भागवतामृतम्। तो देखो, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता लोग आ गए और बड़ी प्रार्थना से, बड़ी सहजता से खड़े हो गए, बोले महाराज प्रणाम करते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए, क्योंकि जो परम संत होते हैं ना, जो पहुंचे हुए दिव्यात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। वो माथा देख करके पढ़ लेते हैं आगे पीछे का। तो ऐसे त्रिकालज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने समझ लिया कि ये देवता लोग आखिरकार अमृत का कलश लेकर के क्यों आए हैं। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा, माने देवता लोग अपने कार्य को बनाने में बड़े तेज होते हैं, बड़े निपुण होते हैं, बड़े चतुर चालाक होते हैं। देवता लोग कभी घाटे का सौदा करते ही नहीं। देवताओं का आप हवन करोगे, यज्ञ करोगे, बढ़िया बढ़िया पूरी कचौड़ी माल खिलाओगे, तो देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। और जब आप खिलाना पिलाना पूजा पाठ हवन यज्ञ बंद कर दोगे, तो फिर वही दैविक तापा, वही देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला तुम्हारे लिए ताप बन जाता है। माने भारी वर्षा कर दी, न जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, न जाने कितने किसान बर्बाद हो गए, न जाने कितने व्यापारियों का नुकसान हो गया, और भी या सूखा पड़ गया। देवताओं के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इसी का नाम है दैविक ताप। तो देवता तभी प्रसन्न होते हैं, देवता तभी कार्य करते हैं जब देवताओं का कोई कार्य सिद्ध हो रहा हो। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, समझ गए कि अमृत तो इतनी साधारण चीज नहीं है जितनी साधारण तया ये मेरे सामने इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे इस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, देवता और राक्षस दोनों मिल करके भगवान श्री हरि की मदद से समुद्र का मंथन किए, और समुद्र के मंथन से अनेकों प्रकार के रत्न निकले। भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र से ही हुआ।
और भी न जाने कितने अद्भुत रत्न समुद्र से निकले, लेकिन सबसे पहले कौन सा रत्न निकला? सबसे पहले समुद्र से क्या निकला? सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, और विष के बाद में फिर एक एक सुंदर सुंदर रत्न निकलते गए। तो देखो, हमारा ये शरीर भी समुद्र है। जब हम इसका मंथन करते हैं ना, तो सबसे पहले इस शरीर रूपी समुद्र से भी विष ही निकलता है। अनेकों प्रकार के जो सांसारिक विषय रूपी जो जहर भरे हुए हैं हमारे मन में, मस्तिष्क में, वो सब निकल करके भगवान की कथा से बाहर आ जाते हैं, और फिर अंत में अमृत निकलता है। ऐसे ही समुद्र से अमृत निकला, लेकिन उस अमृत को लेने के लिए देवता लोग और राक्षस लोग आपस में लड़े। न जाने कितनी मेहनत करी, कितना प्रयास किया, और भगवान श्री हरि ने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाया, और बाकी जो बच गया था वो देवताओं को दे दिया। बोले, ले जाओ भाई, इसे स्वर्ग में रखो, ये आगे के लिए काम आएगा। तो इतनी मेहनत से, इतनी कठिनाई से प्राप्त की हुई वस्तु कोई साधारणतया आपको दे जाए, इस बात में जरूर कहीं न कहीं संशय है। माने आपसे कहे, नरेश जी आप ऐसा करो, केवल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो, केवल 50,000 का काम है, और 4 महीने बाद ही देखो 10 लाख रुपये का कैसे प्रॉफिट होता है। आप 50,000 रुपये में 10 लाख रुपये कमाओ। यदि ऐसा लॉलीपॉप आपको कोई दे रहा है तो सावधान हो जाओ। 50,000 रुपये में यदि 10 लाख रुपये की बचत की बात कर रहा है तो सावधान हो जाओ। भले ही उसे एकदम से कुछ कहो मत, लेकिन अंदर से सावधान हो जाओ, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। अभी भगाया नहीं देवताओं, अभी बात कर रहे हैं, लेकिन समझ गए कि ये अपना कोई कार्य बनाने के लिए आए हैं, हमारे फायदे की बात कर रहे हैं, राजा परीक्षित के फायदे की बात कर रहे हैं और अपने नुकसान की बात कर रहे हैं। तो भैया, ऐसा कौन सा जीव है संसार में जो अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा करेगा, और वो भी देवता जो स्वकार्य कुशला सुरा, माने अपने कार्य को करने में जो सबसे ज्यादा चतुर चालाक, सबसे ज्यादा निपुण हैं, ऐसे देवता अपना नुकसान, अपनी हानि कैसे कर सकते हैं? बात कुछ जमी नहीं। तो जब बात जमी नहीं तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भी कथा सुन लो, हम तो कथा सुना ही रहे हैं, राजा भी बैठ करके सुन रहा है, आप भी सुन लो। तो देवताओं ने कहा कि नहीं बाबा, हम तो अकेले ही कथा सुनेंगे, आप अमृत इसके बदले में ले लो हमसे, और ये राजा को 2-4 चम्मच पिलाओ, आप भी 2-4 चम्मच पियो, बाकी अपने पास रख लो, आगे काम आएगा, ये राजा को तो घर भेज दो, और हम भगवान गोविंद की कथा आपके पास बैठ करके शांति से, आनंद से श्रवण करना चाहते। तो देखो, समझने वाली बात ये है कि कथा न तो बेची जाती है और ना ही कथा खरीदने की संसार में किसी की हैसियत है। ये कथा तो भगवान की अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई क्या कीमत देगा? देवता लोग अमृत दे करके क्या भगवान की कथा खरीद सकते हैं? संभव ही नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज से बहुत आग्रह किया, बोले बाबा अमृत ले लो, ये राजा को यहां से हटाओ, ये कथा आप हमें सुनाओ। क्योंकि देवता लोग जानते हैं रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसे श्रवण करके, जिसे जीवन में उतार करके जीव का
कल्याण हो जाता है, अन्यथा संसार में और कोई ऐसा साधन नहीं है, चाहे वो अमृत हो या विष हो या धन दौलत वैभव स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि हो, फिर भी वहाँ से ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। माने तुम्हारे पुण्यों का जब छीण हो जाते हैं, तुम्हारे पुण्यों का जब क्षय हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो देवता भी स्वर्ग के द्वार पे खड़ा करके तुम्हारी कमर में एक कर्री सी लात मार देते, और फिर तुम काऊ मैया के गर्भ में आकर के लाला या लाली बन जाते हो अपने कर्म के अनुसार, या पशु पक्षी कीट पतंगे इत्यादि बन जाते। तो स्वर्ग में भी आप तभी तक रह सकते हो जब तक आपके पुण्य जोर मार रहे हैं। पुण्य छीण हो गए तो फिर आप स्वर्ग में नहीं रह सकते। तो देवता लोग चालाकी कर रहे हैं, देवता लोग अमृत दे करके भगवान की कथा खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि न तो राजा ने पुकारा है और न हमने बुलाया है, आखिरकार ये स्वार्थी देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? ये बात कछु हमारी समझ में आई नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से फिर कह दिया, भाई कोई ज़्यादा ही पीछे पड़ जाए कि आप आज ही आप 50,000 दो और 4 महीने बाद देखो 10 लाख रुपए कैसे बनते। तो फिर आखिरकार आदमी दुखी होकर के कह ही देता है कि भैया जब ज़्यादा जोर लगा रहे हो और आपको विश्वास है कि 50,000 के 4 महीने बाद ही 10 लाख बनने वाले हैं, तो 2-4 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो, करोड़ों रुपए बन जाएंगे तुम्हारे। तो तुम क्यों दर दर भटक रहे हो? सोचने वाली बात है कि नहीं? अब ये जो लॉटरी चलती है, ये जो सट्टा चलता है, इसमें 1 रुपए के 1,000 देते हैं कि नहीं? ये जो गांवों में शहरों में, गांवों में तो यहाँ उसको दड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो रोज लगाते हैं लोग नंबर, सट्टा मटका तो रोज लगाते हैं। यदि सबका निकलने लग जाए 1 रुपए का 1,000, तो ये संसार में काम कौन करेगा? ये संसार को कौन चलाएगा? 1 रुपए का 1,000, फिर 1,000 के कितने हो गए, फिर उतनों के कितने हो गए, फिर उतनों के कितने हो गए। माने 4 दिन में भी आप 4 दिन की राशि में ही आप संख्या भूल जाएंगे। इतना धन एक आदमी के पास कैसे आएगा, कहां से आएगा, संभव ही नहीं है। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। माने ठग लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से लॉलीपॉप दे करके फंसा लिया जाए, और फिर बाद में जयराम जी की तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही देवताओं से, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महा ब्रह्मरा तो विचार यैवम तदा देवां जहासह। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ताम् सुराणाम् अपि दुर्लभा। अरे स्वर्ग से आए हुए देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का सुधा माने अमृत, और कहाँ मेरे गोविंद की, मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी लाल की कथा। मुझे तो इस कथा के सामने तुम ये जो अमृत लेकर के आए हो ना, ऐसा लग रहा है कि
क्व काच क्व मणिर महान। मुझे तो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत एक कांच की मणि के समान लग रहा है, लेकिन मेरे लाला की, मेरे रमण बिहारी बांके बिहारी की जो कथा है वो तो अनमोल रत्न है, अनमोल हीरा है। वो तो ऐसी दिव्य महान मणि है जिसकी संसार में क्या, संपूर्ण त्रिलोकी में किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं है। तो देखो भगवान गोविंद की कथा ही वास्तव में कथा है, बाकी तो सारे संसार में जो कुछ भी है वो व्यथा है। तो भगवान गोविंद की कथा, मेरे रमण बिहारी बांके बिहारी की कथा, श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को नहीं दी, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा को कोई खरीद नहीं सकता। श्री रमण बिहारी लाल को हम लोग प्रणाम करें, क्योंकि उन्हें प्रणाम करने से, उनका स्मरण करने से ही हमारे जीवन में आनंद आएगा। दूसरे स्वर में बड़ा सुंदर सा भाव है, ओ मेरे रमण बिहारी लाल, तिहारी सूरत पे बलिहार, हो मेरे रमण बिहारी लाल, तिहारी सूरत पे बलिहारी, 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 तेरो सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी, हो तू है जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल, तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल, सूरत पे बलिहारी, श्री रमण बिहारी लाल की। बांके बिहारी
के बिहारी रमण बिहारी कुंज बिहारी आवे तेरा रूप बड़ा है सोना I'm
अपने भरे। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर, अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर। राधा जू संग नित्य पधारो मन मंदिर के अंदर, राधा जू संग नित्य पधारो मन मंदिर के अंदर। ये है अभिलाषा मन में, ये है अभिलाषा मन में, बस जाओ मेरे नैनन में, बस जाओ मेरे नैनन में, बस कर दो ये उपकार तिहारी सूरत पे बनहारी, बस कर दो उपकार तिहारी सूरत पे मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, तू है जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी, तू है जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहारी। तो देखो श्री रमण बिहारी लाल बांके बिहारी लाल की कथा ही एकमात्र ऐसी है जिस कथा को खरीदने का देवता लोगों ने अमृत लेकर के बहुत प्रयास किया लेकिन खरीद नहीं पाए, क्योंकि ये कथा अनमोल है, इसे संपूर्ण त्रिलोकी में कोई भी नहीं खरीद सकता, किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकता। तो अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृत। देवता लोगों को श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्त समझा कि ये वास्तव में कथा सुनने के लिए नहीं आए, यदि कथा सुनने के लिए आए होते तो लेन देन की कोई बात ही नहीं करते, कथा चल रही है धीरे से आकर के जहां पर स्थान मिल जाता वहीं पर बैठ जाते और आराम से कथा श्रवण करते, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, न कहने वाले को कोई परेशानी न श्रवण करने वाले को परेशानी। लेकिन अभी कोई चला आए और कहे महाराज ये कथा आप यहीं रोक दो, ये 1 लाख 2 लाख रुपए हमारी तरफ से लो और ये जो आए हैं ना इन सबको यहाँ से हटाओ भगाओ, अब आप दोबारा से हमें बिठा करके कथा सुनाओ। तो देवता लोग भी यही करने के लिए आए, राजा को हटाओ
एवज में भले अमृत का कलश ले लो, लेकिन हमें कथा सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने हिंदी में समझा दिया तो देवता लोग नाराज होकर के, रुष्ट होकर के ब्रह्मा जी के पास भागे चले गए। ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आपके राज्य में और आपकी व्यवस्था में हमारी तो किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं है, हम नहीं कार्य करेंगे। ये लो अपना झोली, झंडा और माला, हमें आपकी नौकरी नहीं करनी, हमें आपकी चाकरी, हमें आपकी ड्यूटी नहीं बजानी, हम जा रहे हैं। तो सबने जब झोली झंडा पटक दिए तो ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला, हाथ वाथ फेर करके इंद्र को समझाया, अन्य देवताओं को समझाया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अरे केवल 7 दिन की ही तो बात है, 7 दिन देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या बिगड़ता है। अरे राजा को सुनने दो कथा, 7 दिन बाद पता लग जाएगा कि आखिरकार राजा का क्या हुआ, ये श्रीमद् भागवत की कथा से क्या होता है। तो देवता लोग ऊपर से टकटकी लगा करके देखते रहे और माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बिठा करके और न जाने कितने लाखों सदगृहस्थ संतों ने भी श्रवण करी। जो भी कथा में आ जाए स्वागत है, लेकिन किसी प्रकार की सौदेबाजी कथा में नहीं होती। देवता लोग सौदेबाजी कर रहे थे, इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्त समझ करके, डांट करके, फटकार करके भगाया। तो एक एक दिन जैसे जैसे कथा पूरी होती गई, देवता लोगों के अंदर भी रोमांच बढ़ता गया। आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, इसी तरह से 5 दिन, 6 दिन और सप्तम दिवस की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ तो देवता लोगों ने देखा कि भगवान के पार्षद एक दिव्य विमान लेकर के आए और उस दिव्य विमान में राजा परीक्षित को बहुत बड़े सिंहासन पर बिठाया। कोई आरती कर रहा है, कोई चवर ढुला रहा है, कोई हाथ जोड़ करके खड़ा है, कोई राजा परीक्षित की पूजा कर रहा है, कोई अर्चन वंदन कर रहा है, बार बार नमस्कार प्रणाम हो रहा है। इतने स्वागत सत्कार के साथ में राजा परीक्षित को ले जाया जा रहा है भगवान के श्रीधाम में, भगवान के गौलोक में। तो ये सारी लीला, ये सब जब देखा देवताओं ने तो देवता लोग तो हक्के बक्के रह गए। देवता लोगों की सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। बोले भैया, जिस मुक्ति के लिए, जिस कल्याण के लिए न जाने कितने हजार लाख वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, न जाने क्या क्या योग ध्यान प्राणायाम इत्यादि करते हैं, तो भी संशय रहता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन केवल 7 दिन ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेने से राजा की मुक्ति हो गई। ये तो अद्भुत आश्चर्य है, अलौकिक चमत्कार है, ऐसा हम लोग मान ही नहीं सकते। तो जब आश्चर्य हुआ तो देखो, देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी तो सब देख ही रहे थे, ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया भागवत के प्रति। बोले भैया, वेद है, पुराण है, शास्त्र है। अरे ये जब वेद पढ़ने वाले की मुक्ति नहीं हो रही, पुराण पढ़ने वाले की मुक्ति नहीं हो रही, शास्त्र पढ़ने वाले की मुक्ति नहीं हो रही, तपस्या करने वाले की मुक्ति नहीं हो रही, तो भागवत श्रवण करने वाले की मुक्ति कैसे संभव है। तो ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया, आश्चर्य हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष
सत्यलोके तुलां बद्धा साधना साधनान्यन्य लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महः तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययोः। तो देखो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी भी संशय से युक्त हो गए। तो अपना संशय दूर करने के लिए और देवताओं के संशय की निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने कहा भैया लाओ भागवत को उठा के। तो भागवत उठा करके लाए और एक तराजू बनाई, एक तराजू के पल्ले में भागवत जी को रख दिया और फिर दूसरे पल्ले में वेद चढ़ाए, पुराण चढ़ाए, शास्त्र चढ़ाए और अन्य न जाने कितने ग्रंथ चढ़ाए, लेकिन भागवत जी जिस पलड़े में विराजमान की हैं वो पलड़ा अभी तक टच से मच नहीं हुआ जमीन से, जहाँ की तहाँ रखा है। ऐसी अद्भुत वजनदार चीज है ये, ऐसा अद्भुत माल है, ठोस है, मजबूत है, माने प्रमाणित है, मोहर लगी हुई है, भगवान गोविंद के साइन है। श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, तो ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। स्वकीयम् यद भवत्तेज तच्च भागवते दधात, अब भगवान ही तराजू के एक पलड़े में बैठे हैं, तो भगवान किसी वेद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा या अन्य धार्मिक पुराण ग्रंथों के द्वारा कैसे उठाए जा सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो जब भागवत जी का पलड़ा नहीं उठा तो फिर देवता लोगों ने हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और मेनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, माने श्रीमद् भागवत जी के ऊपर समझ लो कि मन से अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए कि इस घोर कली काल में यदि जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठतम सरलतम सहजतम यदि कोई साधन है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत ही है। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये साधारण कथा नहीं, ये बहुत विशेष कथा है। सुराणाम अपि दुर्लभा, माने देवता लोगों को भी ये सुलभ नहीं हुई, देवता लोगों को भी प्राप्त नहीं हुई, देवता लोग भी भगा दिए गए। वही कथा आप रसपान कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा। वो भी सौभाग्यशाली हैं जो इस विज्ञान के माध्यम से कहीं दूर बैठ करके, अपने घर में बैठ करके इस कथा का दिव्य दर्शन और श्रवण कर रहे हैं। उन्हें भी बांके बिहारी, रमण बिहारी की याद आ रही होगी, वो भी अपने घर में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाताः दद्रीसो तत्र नारदम्। देखो एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चार भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई विचरण कर रहे हैं सत्संग की इच्छा से।
क्योंकि साधु संतों का महात्माओं का जो जीवन है वो तो कथा मात्रैक जीवन, उनका तो जीवन ही ऐसा है कि उन्हें अहर्निश भगवान की कथा चाहिए श्रवण करने के लिए और कहने के लिए। तो ये चारों भाई ऐसे, एक भाई व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और तीन भाई नीचे बैठ करके सुनते हैं। जब वो कहते कहते थक जाता है तो फिर वो नीचे आ जाता है और उनमें से एक ऊपर बैठ जाता है, फिर वो कहता है, फिर वो थक जाता है तो फिर उनमें से एक और आ जाता है, वो नीचे बैठ के श्रवण करते हैं। तो इसी प्रकार से सनक आदि, माने सनक हैं आदि में जिनके, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाइयों का जीवन ही कथा मात्रैक जीवन है। कथा ही तो ऐसा साधन है जो भगवान से आपको जोड़े रखती है, हमेशा उनका स्मरण बंदन कराती रहती है, कभी भजन के माध्यम से, कभी कीर्तन के माध्यम से और कभी कथा के माध्यम से हमें आनंद प्रदान करती है। तो प्रेम से बोल राधे। तो देखो ये चारों भाई विचरण कर रहे हैं विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में, सत्संग की इच्छा से, भगवान की कथा की इच्छा से, कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां शांति से बैठ करके भगवान की कथा की जाए। लेकिन कथा शांति से अकेले में तो होती नहीं भाई, कथा तो ऐसी जगह की जाती है जहां कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी प्राणी हो, भगवान की कथा सुनने का सभी को अधिकार होता है, जो सहज ही आ जाए। तो बद्रीनाथ धाम में ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही। अचानक सनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद जी बड़ी जोर से दौड़े चले जा रहे हैं। नारद जी जब पास आए तो आवाज लगाई, अरे ये लग तो नारद रहा है। अरे बाबा नारद कहाँ भागे जा रहे हो भैया, नारद जी को आवाज लगाई। नारद जी आए, बोले महाराज प्रणाम करते हैं। तो नारद जी ने चारों भाइयों को साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, लेकिन नारद जी का मुंह थोड़ा सा लटका हुआ है। तो जब मुंह लटका हो तो सामने वाला पूछ ही लेता है, भैया उदास क्यों हो? तो सनकादियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। अरे ब्रह्मन् कथं दीनमुख, हे ब्राह्मण देवता, हे श्री नारद जी, हम देख रहे हैं कि आप न जाने कहां से आ रहे हैं और न जाने कहां भागे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप उदास भी हैं, आपका मुंह भी लटका हुआ है। आखिरकार आपको कौन सी परेशानी है, कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है, कौन सा क्लेश है? अरे हमें भी बताओ, यदि संभव होगा तो हम भी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि गत वित्तो यथा जनः, माने किसी कृपण ने, किसी कंजूस ने एक एक रुपया संचय करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किया और एकदम से डकैती पड़ गई, डकैत ले गए, या बाढ़ आ गई, बाढ़ में बह गया, या किसी भी प्रकार से उसका इकट्ठा किया गया, संचय किया गया सारा धन नष्ट हो गया, तो उसके हृदय में जितनी वेदना होती है उस समय
जो आकृति उसके मुखमंडल की होती है वही हमें आपके मुख की लग रही है। माने गत वित्तो यथा जनः। लेकिन जब विचार करते हैं कि आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, संसार का कोई धन तो है ही नहीं आप, भाई कंजूस आप है नहीं, और एक एक रुपया आपने इकट्ठा नहीं किया, पैसा तो लेते ही नहीं, आप तो विरक्त संत हैं। अरे महाराज, आप तो ऐसे संत हैं कि संसार के दुखों से दुखी कोई जीव यदि आपके दर्शन भी कर ले, आपके प्रसन्न चित्त मुखमंडल का दिव्य दर्शन कर ले तो उसके दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आप जैसा परम विरक्त संत आज इतना दुखी दिखाई दे रहा है, आखिर आपके दुख का कारण क्या है? क्योंकि संतों के पास ऐसा कोई धन होता ही नहीं है जिसे कोई चोर डकैत छीन करके ले जाए, बाढ़ आ जाए तो बह जाए, कोई कनपटी पर रख करके ले जाए, संतों के पास ऐसा कोई धन होता ही नहीं। तो संतों के पास कौन सा धन होता है? अरे संतों के पास तो केवल और केवल हमारी किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का धन होता है, बरसाने में बैठी हुई लाडली जू के नाम का धन होता है। तो बाबा आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तीसरे स्वर में आप गाओ बाबा, हमारे साथ में आनंद आ जाएगा, क्योंकि संतों के पास यही धन होता है और संतों के पास संसार का कोई धन नहीं होता। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, 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 परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, बरसाने वाली राधा, 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 बरसाने वाली राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारे
श्री राधा श्री राधा श्री राधा हो श्याम प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हो श्याम प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री तो देखो संतों के पास तो बाबा केवल किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का ही धन होता है। बरसाने वाली लाडली जो बरसाने में बैठी हैं, सबसे ऊंचे टीले पर अटारी पर बैठी हैं, कितना सुंदर अद्भुत दृश्य है, क्या अद्भुत नजारा है। अरे एक बार हमारे साथ बरसाने में चल करके देखो तो सही, फिर अपने आप कहोगे कि लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तो चलो हमारे साथ लेकर के चलते हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा बरसाने का, लाडली जू की दिव्य छटा और महल का दर्शन करके आते हैं। दूसरे स्वर में चलेंगे हम लोग, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। 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 लाडली अद्भुत नजारा बेसहारों का सहारा बेसहारों का सहारा बेसहारों का सहारा बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में।
रहे सब देवगण, चौकिया दे महल की पर रहे सब देवगण, चौकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण, चौकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा, बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने लता हर डाल पर तेरी कृपा की है नजर, हर लता हर डाल पर तेरी कृपा की है नजर, हर घड़ी असुमत दुलारा, हर घड़ी असुमत दुलारा, हर घड़ी असुमत दुलारा, हर घड़ी असुमत दुलारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा। प्रेम का अद्भुत नजारा, प्रेम का अद्भुत नजारा, प्रेम का अद्भुत नजारा, प्रेम का अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा।
देखो हमारी किशोरी श्री राधिका रानी के बरसाने में तो अद्भुत नजारा है, अद्भुत अलौकिक वैभव है, अलौकिक संपदा है, वहां लौकिकता है ही नहीं। बरसाने की परिक्रमा करो, बरसाने के अंदर आप कहीं भी भ्रमण करो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे सतयुग वाले समय में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आज के समय में भी बरसाने में आधुनिकता का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। वही बरसाने वारी का जो टीला
लाला के समय में जब कन्हैया यहाँ सशरीर हमारे मध्य में मौजूद थे, किशोरी राधिका रानी जब वो टीले पर बैठ करके अपनी सखियों के साथ कन्हैया को याद करती थी, उनके साथ लीलाएं करती थी, तो आज भी वो टीला बिल्कुल वैसे के ही वैसे बना हुआ है। उस टीले के ऊपर आप जाओ, कितने सुंदर अलौकिक दिव्य वृक्षों का दर्शन होगा। ऐसे वृक्ष, ऐसी लता पता आपको सारे संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। कहीं भी चले जाओ, ऐसे वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे जैसे बरसाने में है, राधा रानी के टीले पर है। तो श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, और वही कथा हम लोग यहाँ श्री धाम वृंदावन में श्री मंगल भवन में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सनकादियों ने नारद जी से पूछा, बाबा इतने परेशान क्यों हो, किशोरी जी को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, उनका नाम लो। अरे उनका नाम लोगे, उनका कीर्तन करोगे, तो फिर वो कन्हैया कहीं नहीं गया, फिर वो कन्हैया तुम्हारे सारे दुखों का हरण कर लेगा, लेकिन याद तो करो। अरे महाराज आपको क्या बताऊं, मेरा क्या दुख है। बोले बताओ तो सही, जब तक बताओगे नहीं बीमारी क्या है तो दवाई कैसे देंगे। तो नारद जी ने बीमारी बताई, बोले मैं आकाश में भ्रमण करते करते जब मेरे मन में आया कि हमें थोड़ा सा मृत्यु लोक में जाकर के देखना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मृत्यु लोक का भी आनंद लेना चाहिए। जैसे कई बार हमारा मन करता है कि चलो यार थोड़ा दिल्ली फिल्ली घूम आए, दिल्ली में देख आए क्या है। कई लोग बंबई जाने के लिए तैयार रहते हैं और कई लोग गोवा जाने के लिए तैयार रहते हैं, जिसके मन में जैसी कामना भावना आ जाए। तो ऐसे ही नारद जी ने सोचा कि आकाश मंडल में तो बहुत वर्षों से भ्रमण कर रहे, थोड़ा मृत्यु लोक में जाकर के भी आनंद लिया जाए। तो मृत्यु लोक में नारद जी आकर के शांति देखने लगे, संतोष देखने लगे, कथा कीर्तन देखने लगे, लेकिन ऐसा यहाँ आकर के कुछ मिला नहीं, तो बड़े परेशान से हो गए। अब परेशानी दूर करे कौन नारद जी की। तो नारद जी ने सोचा कि शायद साधु संतों के यहाँ जाएंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, तो साधु संतों के पास गए। तो साधु संतों के पास जाने से भी नारद जी की परेशानी दूर नहीं हुई, व्यथा दूर नहीं हुई। गृहस्थों के पास गए, वहाँ भी व्यथा दूर नहीं हुई। आखिरकार पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, सारे तीर्थों में गए। इस मृत्यु लोक में जितने भी मुख्य मुख्य तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया नारद जी ने, लेकिन शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। नारद जी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो और ज़्यादा दुखी हो गए। बोले हम तो आए थे कि मृत्यु लोक में आनंद लेंगे, लेकिन यहाँ तो अशांति ही अशांति है, अब क्या करें, कहाँ जाएं। वापस जाने लगे तो जाने से ठीक दो चार सेकंड पहले नारद जी को याद आया, बोले यार भगवान श्री हरि का कन्हैया के रूप में अवतार हुआ था, और जब वो नंद के लाला बन करके इस मृत्यु लोक में आए तो ब्रजभूमि में लीलाएं करी, और ब्रजभूमि में भी सबसे मुख्य एक स्थान है जिसका नाम है श्री धाम वृंदावन, जहाँ आप बैठ करके भगवान की ये परम पावन कथा का आनंद ले रहे हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में ही भगवान ने रासलीला करी और भी अनेकों लीलाएं करी, तो क्यों ना एक बार वृंदावन दर्शन तो कर लूं जाने से पहले।
नारद जी के मन में हुआ। अब जाना तो है ही, क्योंकि मृत्यु लोक मेरे रहने लायक घूमने फिरने लायक नहीं है। यहां तो चारों तरफ लड़ाई झगड़े मार काट अशांति है, सब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का माल हड़पने में लगे हुए। तो ये हमारे जैसे साधु संतों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक बार कन्हैया ने जहाँ लीलाएं करी उस ब्रजभूमि का, उस श्रीधाम वृंदावन का दर्शन तो कर लिया जाए। तो देखो जब श्रीधाम वृंदावन की बात आती है ना, कोई सखी एक बार बांके बिहारी के दर्शन करके चली जाए, और फिर कई वर्ष उसे वृंदावन आने का अवसर प्राप्त न हो, और उसकी बगल वाली कोई फैमिली जा रही हो, अड़ोस पड़ोस से उसकी कोई सखी जा रही हो, तो अचानक 3 साल पहले आई हुई उस सखी को याद आ जाती है, वो सारा बांके बिहारी का दरबार, रमण बिहारी रास बिहारी का दरबार उसके हृदय में उसकी स्मृति में प्रकट हो जाता, और कन्हैया के दिव्य दर्शन का लाभ हो प्राप्त होता है, और उसके मन में ये कामना जागृत हो जाती है कि काश मुझे भी ये अवसर आज जो इसे प्राप्त हो रहा है, काश मुझे मिला होता, मैं भी अपने पति के साथ अपने बाल बच्चों के साथ श्रीधाम वृंदावन गई होती और बांके बिहारी के दरबार में खड़ी होकर के उन्हें निहार रही होती। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास समय होता है तब ये बिजी रहते हैं, और जब ये फ्री रहते हैं तो मुझे शादी विवाह पार्टियों से फुर्सत नहीं। इसलिए 3 वर्ष व्यतीत हो गए, वो झांकी आज भी मेरे हृदय में विद्यमान है। उस झांकी को मैं कभी नहीं भूल सकती, कैसा अद्भुत दृश्य था वो, कैसी अद्भुत छटा थी मेरे बांके बिहारी की। खैर कोई बात नहीं, अब ये सखी जा रही है तो इसी को कह देती हूँ, इसी को निमंत्रण दे देती हूँ कि मेरी तरफ से बांके बिहारी को प्रणाम कर देना। कह देते हैं ना भैया, वृंदावन जा रहे हो, रमण रेती जा रहे हो, तो रमण बिहारी को, बांके बिहारी को हमारी तरफ से भी जय श्री कृष्ण कर देना, प्रणाम कर देना। बड़ा सुंदर भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है दूसरे स्वर में। तो आइए आप हमारे साथ उसके भाव को समझने का प्रयास करें। कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। अरे सखी, मैं तो जा नहीं पा रही, लेकिन तू जा रही है, तुझे ये सौभाग्य मिला है, तो तू ही मेरा ये पैगाम ले जा बांके बिहारी के पास। कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम
सो जा नहीं पाऊं, मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पर नाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा पर नाम ले जाना। जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए तो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना।
उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, जो 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 पूछे हाल मेरा तो जुबां से कुछ नहीं कहना, जो पूछे कुछ नहीं कहना, जुबान से कुछ नहीं कहना, वो जुबान से कुछ नहीं कहना, बहा देना कुछ एक आंसू, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी ये याद ले कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना, कोई जाए तो वृंदावन, कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए तो ख्वाब ले जाना, जो रातें जाग करते थे मेरे सब ख्वाब ले जाना, जो रातें जाग करते थे मेरे सब ख्वाब ले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना, मेरे सब भाव ले जाना, मेरे सब भाव ले जाना, न ले जाओ अगर मुझको, न ले जाओ अगर मुझको, मेरे अरमान ले जाना, न ले जाओ अगर मुझको, मेरे अरमान ले जाना, कोई जाए तो वृंदावन, कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम।
सेवा करते हुए बड़े प्रेम से गाइए। चौखट पर मेरी जो सांस अंतिम हो वो निकले तेरी चौखट पर, वो निकले तेरी चौखट पर, वो निकले तेरी चौखट पर। हरिदासी हूँ मैं तेरी, हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे स्वीकार कर लेना। हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे पहचान ले जाना। हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे पहचान ले दासी हूँ मैं तेरी, मुझे पहचान ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन, कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन, पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जान नहीं पाऊं, मैं खुद तो जान नहीं पाऊं, मेरा परनाम ले जाना। मैं खुद तो जान नहीं पाऊं, मेरा परनाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन, कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए तो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम तो देखो श्री धाम वृंदावन की ऐसी अद्भुत महिमा है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी हैं, रमण बिहारी हैं, रास बिहारी हैं, कुंज बिहारी हैं,
शैल बिहारी हैं, ब्रज बिहारी हैं, और बरसाने में बैठी हुई किशोरी श्री राधिका रानी हैं, वो भी उनसे अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तस्मात् ज्योतिर्भवेद् भूत देवा श्री राधा माधव रूपकम्। दो ज्योतियां राधा और रमण बिहारी की, बांके बिहारी और किशोरी जू की।